आप भी हार्दिक पांड्या को एक शानदार ऑलराउंडर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने उड़ाया मुंबई का मजाक। जी हाँ, लगातार 5 मुकाबले हार कर 5 बार की चैंपियन एक तो वैसे ही चारों तरफ से आलोचनाएं झेल रही है, उसके बाद उनके ही पुराने खिलाड़ी ने अपनी टीम का अपमान किया है। आखिर नीता अंबानी से लेकर रोहित शर्मा तक के बारे में मजाक उड़ाते हुए ऐसा क्या कह दिया है हार्दिक पांड्या ने जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है, उसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मुंबई की हार में सबसे बड़ी वजह क्या रही? रोहित शर्मा की खराब कप्तानी या फिर शिखर धवन की लाजवाब बल्लेबाजी? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, 5 बार की आईपीएल चैंपियन को टाटा आईपीएल 2022 में लगातार 5वीं हार का सामना करना पड़ा है। अपनी पहली जीत की तलाश में उतरी रोहित की पलटन को आज एक बार फिर से हार का कड़वा घूंट पीना पड़ा है। भले ही इस वक्त आईपीएल के सारे मुकाबले महाराष्ट्र में हो रहे हो, लेकिन उनकी घरेलू टीम का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में बेहद ही निराशाजनक रहा है। हर बार मुंबई के प्रशंसक उन्हें सपोर्ट करने के लिए आते हैं और हर बार उन्हें निराशा हाथ लगती है, और आज के मुकाबले में भी रोहित की टीम का हाल कुछ ऐसा ही रहा। वो तो भला हो ब्रेविस का जिन्होंने राहुल चहर की 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाकर मुंबई के प्रशंसकों को थोड़ा मुस्कुराने का मौका जरूर दिया, पर 198 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रोहित की टीम पंजाब किंग्स से 12 रन पीछे रह गई। इस मुकाबले में एक बार फिर से शुरू कुमार यादव ने थोड़ी बहुत लड़ाई जरूर लड़ी, लेकिन 30 गेंदों में 40 रन की शानदार पारी भी मुंबई को जीत न दिला सकी, और हार के बाद एक समय इस टीम का सबसे प्रमुख खिलाड़ी रहने वाले हार्दिक पांड्या ने मजाक उड़ाते हुए जो बयान दिया है उसे सुनकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने अपना बयान देते हुए कहा है कि मुंबई एक बार फिर से लगातार 5 मुकाबले हार चुकी है, और हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप 5 मुकाबले हार जाओ और चैंपियन बन जाओ, क्योंकि इस बार के आईपीएल में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मुझे नहीं लगता मुंबई इंडियंस के पास ऐसी टीम है जो चैंपियन बन सकती है। उनके पास ना तो अच्छे गेंदबाज हैं और ना ही अच्छे फिनिशर। मुझे रोहित भाई को देखकर तरस आता है क्योंकि उनके पास एक अच्छी टीम नहीं है, और एक कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसकी टीम होती है, और मुंबई इंडियंस की टीम इस साल बहुत कमजोर नजर आ रही है। मुझे तो उस पल का इंतजार है जब ये टीम इस साल के आईपीएल में अपनी पहली जीत हासिल करेगी, और मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा हो। दोस्तों, जिस तरीके से मुंबई इंडियंस का मजाक उड़ाते हुए हार्दिक पांड्या ने एक सनसनीखेज बयान दिया है, रोहित से लेकर नीता अंबानी तक, उनके इस बयान को आप सुनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हार्दिक ने अपने बयान में जो भी बातें कही हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातें सही हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस साल 2014 की तरह खतरनाक वापसी कर पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।